चुनावी परिक्रमा में आपका स्वागत है। आज आपको लेके चलते हैं मध्य प्रदेश के जिला रायसेन की विधानसभा उदयपुरा में, जहां से कांग्रेस और भाजपा निरंतर सत्ता में रही है, लेकिन लोगों के दौरान हमें पता चला है कि जो विकास होना था वो विकास नहीं हुआ है। इसकी जानकारी के लिए चलते हैं हम नेत्राम जी के पास। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या क्या राजनीति है आपके विधानसभा में? भैया क्या है, मैं तो एक बहुत छोटे परिवार से हूँ और मुझे मालूम चला कि राजनीति में पैसे खर्च होते हैं, तो मैंने ये बता दिया है कि राजनीति में पैसे बिल्कुल खर्च नहीं होते हैं। अगर आपके मन में एक ललक हो सच्ची सेवा करने की, तो पैसे की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस बात के लिए मुझे सर्टिफिकेट 3 बार मेरे माता पिता दे चुके हैं कि आपके पास पैसे ना हो, बेटा अच्छी सेवा करना तो दुनिया की कोई शक्ति है जो आपको उस मार्ग पर पहुंचने से नहीं रोक सकती है। ये प्रमाण मेरे पास हैं। पहली बार मैं जनपद का लड़ा, भारी मतों से जिताया, बिगर पैसे के जिताया। फिर मैं मंडी का चुनाव लड़ा, भारी मतों से जिताया, बिगर पैसे के, बिगर समाज के जिताया। फिर इसके बाद मेरे मन में ललक आई क्यों ना बड़ा चुनाव लड़ा जाए, तो मैं ऐसे वार्ड से लड़ा हूँ जहाँ मेरी खुद की वोट नहीं है, ना गांव है ना खुद की वोट है। कौरव समाज की एक भी वोट उन पेटियों में नहीं निकली, वहाँ से मैं चुनाव लड़ा हूँ। दूसरे वार्ड से लड़ने में दिक्कत तो मुझे आ रही थी, पैसे भी नहीं थे, मगर 49,000 रुपये में 4,500 मतों से मेरे माता पिताओं ने मुझे विजय करके रायसेन भेजा है। मैं बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि इन 3 सालों में मैं खरा उतरा हूँ, कोई 1 रुपये का भी मेरे ऊपर इल्ज़ाम नहीं है। और एक भी ढक्कन भैया मैंने दारू नहीं दी, मुझसे मांगी गई, मैंने कहा दारू पिवा के नेत्राम की ऐसी कुर्सी नहीं चाहेगा, 13 बार हार जाए मगर पाप करके चुनाव नेत्राम नहीं जीतेगा। ये पाप करके तो हमारे धंधे वाले लोग जीतते हैं, मुझे मेरे जीवन में कोई धंधा नहीं करना भैया। और मेरे एक और बता दूं भैया, इसलिए मैं बड़े अच्छे काम कर रहा हूँ, मेरे बेटा नहीं है, जब बेटा नहीं है तो अच्छे काम करके मैं मेरा जीवन को सुधार सकता हूँ। भगवान ने कहा है कि अच्छे कर्म करो, चिंता मत करो, हमारे चरणों में तुम्हें जगह जरूर मिलेगी। दौलत वाले जरूर सड़ सकते हैं, मगर अच्छे नेक काम करने वाले, सच्ची सेवा करने वालों पे कभी संकट नहीं आता है। इस कारण से मैं तो ईश्वर के चरणों में डटा हूँ, वो गरीब माता पिताओं की सेवा के लिए पैदा हुआ हूँ, ऐसा मेरी कुंडली में लिखा है। तो नेत्राम जी, हमने जहाँ तक देखा है कि आपकी विधानसभा में कोई विकास कार्य नहीं है, तो अगर आप विधायक का चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं तो फिर आप अपने आने वाले समय में क्या कर पाएंगे? भैया मेरे मन में एक ललक है, इसलिए मैंने विधानसभा का चुनाव लड़ने का ये मेरे मन में संकल्प लिया है। और मुझे पता है कि इतना अच्छा समर्थन मुझे गांव-गांव में मिल रहा है। मेरे मन में सिर्फ 2 कामों की ललक है। एक ललक ये है कि मेरे किसानों का जो मंडी मंदिर होता है वो एक आधुनिक स्थिति में बन जाए, तो मैं समझूंगा कि मैंने एक बहुत बड़ी सेवा कर ली। आधुनिक मशीनें लग जाएं जिससे मेरे किसान भाई जाएं और ग्रेडिंग करें और अच्छा माल बना के महंगा माल बेचें और उनको बैठने की और पानी की अच्छी सुविधाएं हो जाएं। और दूसरी एक और ललक है मेरे भाई, मैं जा रहा हूँ गांव-गांव में, देख रहा हूँ जिन माता पिताओं को 150 रुपये मिल रहे हैं वो भी टाइम पे नहीं मिल रहे हैं। अगर सरकार 150 दे रही है तो कोई एहसान नहीं कर रही है। तो मैंने मन में सोचा है कि मैं उनसे जाके विधानसभा में कहूँगा कि मेरी तनख्वाह आधी कर दो, मेरी सुविधाएँ आधी कर दो और उन गरीब माता पिताओं को 1,000 रुपया देने लगो, जिससे कि वो सब्जी भी खा सके और घी भी खा सके और अच्छे भोजन कर सके। मात्र 10 साल की सेवा है, कितनी उम्र हो चुकी है इनकी, ये 10 साल ही पैसा ले पाएंगे मेरे ख्याल से, इसके बाद ऊपर चले जाएंगे। तो एक मेरा कर्तव्य है, हम प्रतिनिधियों का कर्तव्य है भैया। अरे वो तो देश के लिए प्राण दे चुके हैं, कई प्रकार की रिश्वत मिलती थी और मैंने रिश्वत नहीं ली। विधायक को 1 लाख तनख्वाह मिलती है, कब वो जिंदगी भर सेवा अपने ईमानदारी से नहीं कर सकता? ये मुझे मेरी आत्मा में एक ललक है, ये मैं उस विधानसभा के उस मंदिर में कह सकूं और दावे से अच्छी सेवा कर सकूं, ऐसा मेरा उद्देश्य है भैया। तो नेत्राम जी, जहाँ तक हमने देखा है आपके उदयपुरा विधानसभा में 2 पार्टियाँ हैं, भाजपा और कांग्रेस हमेशा से तत्पर रही है, तो क्या आपको लगता है कि आप चुनाव जीतेंगे? भैया मेरे मन में तो है, मैंने जो 3 साल की मेहनत की है, उन लोग ईश्वर कहते हैं कि आप कर्म करो, फल की चिंता मत करो। मैं तो उनकी अदालत में जा रहा हूँ, 3 चुनाव जीत चुका हूँ, जब जिले का जीत सकता हूँ जहाँ खुद की वोट नहीं थी। एक विशाल चुनाव लग रहा था मुझे, 1 जीत थी, वो भी मैंने बहुत कम दिनों में जीत करी थी। जब मैं चुनाव जिले का जीत सकता हूँ जहाँ मेरी जात पात नहीं है, तो मुझसे भाई साहब ही बिल्कुल पूरी उम्मीद है। ये विधानसभा अब छोटा क्षेत्र लग रहा है, कभी लोकसभा का मौका मिलेगा उसमें भी मैं प्रयास करूंगा और मेरे माता पिता निश्चित मुझे एक बार दिल्ली भी भेजेंगे, ऐसी मेरे मन में एक ललक आ रही है।
सुनेत्राम जी, हमने देखा है जहाँ तक आपकी जो उदयपुरा विधानसभा है उसमें ग्रामीणों की हालत बहुत ही बदतर है, और उसके बाद में ना आपकी विधानसभा में रोडों की व्यवस्था है, ना गांव में पानी की सुविधा है, ना बिजली की सुविधा है। जहाँ तक हमने देखा है आपकी विधानसभा बहुत ही पीछे है, तो आप इसके लिए क्या विकास कार्य करेंगे आने वाले समय में? भैया, सबसे पहले मेरी ईमानदारी की सेवा है, और जब मैं ईमानदारी से सेवा करता हूँ तो परमात्मा मेरी मदद करते हैं, मालिक मेरी मदद करता है, और मुझे विश्वास है कि मैं गांव-गांव जाऊंगा और समस्याएं सुनूंगा और उनको बाकायदा मैं रिकॉर्ड बनाऊंगा और बारी बारी से विधानसभा में रख के मैं पूरी ताकत के साथ उन समस्याओं को पूर्ण करवाऊंगा। ऐसी मेरे मन में एक ललक है और मुझे विश्वास है मैं शायद निर्दलीय भी। नमस्कार सारा सिक्किमेहरूलाई, म पेमा छुल्टिम तपाईँहरूको माझमा लाइभ भिडियो राख्न गइरहेछु। आज मैं आप लोगों के सामने हिन्दी में बात करूँ कि नेपालीमा कुराकानी राखौँ, किन भन्दाखेरि हिन्दीमा किन कुरा राख्न चाहन्छु भन्दाखेरि, जसले घोटाला गर्दैछ उहाँलाई हिन्दी मजाले बुझ्नु सक्छ उहाँले, त जसलाई बुझाउन चाहन्छु उहाँलाई आवश्यकता नै नेपालीमा बुझाउनु जरुरी छ मलाई। आज हाम्रो सिक्किममा घोटाला करप्सनको हाइट आज हाम्रो माननीय मुख्यमन्त्री पवन कुमार चामलिङज्यूले विदेश गएर एवार्डहरू थापेको